आज मुझे आईटी इंडस्ट्री में 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 4 पॉइंट्स के बारे में जो मैंने सीखे हैं इन 4 सालों में। आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए वो मैं अपना एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैंने थर्ड ईयर में, जब मैं कॉलेज में था, मैं एक बीएससी ग्रेजुएट हूँ, सबसे पहला ये आता है। सेकंड ये आता है कि मैंने थर्ड ईयर में लास्ट सेमेस्टर में ऑफ कैंपस एक जॉब पाई थी जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 7,000 रुपये थी। उसके बाद मैंने 1 साल बाद एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप क्रैक किया जिसमें ऑब्वियसली सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद 2 साल जब मेरा कंप्लीट हो चुके थे, मैंने एक एमएनसी ज्वाइन करी अमेजोन, जिसमें मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद 1 साल काम करने के बाद मैं अभी एक और नए स्टार्टअप में हूँ जो इंडियन स्टार्टअप है और मैं अभी उसमें काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरा ये बताने का मतलब ये था कि मेरा क्या क्या 4 साल में बेसिकली मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है, जिससे आप पहले डिसाइड कर सको कि आपको मेरे को सुनना है या नहीं सुनना है। सो अगर मैं एक ओवरव्यू दूं, मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया, मैंने सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया, मैंने एक एमएनसी में काम किया है जो है अमेजोन। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट्स। सबसे पहला आता है डिग्री डजंट मैटर इफ यू हैव स्किल्स। इसका क्या मतलब है? बेसिकली मैंने काफी लोगों को देखा है, वो कहते हैं यार मेरा आईटी में बहुत इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूं मैं कोडिंग करूं, पर मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे को कोई जॉब ही नहीं देगा, तो मैं क्या करूं? मैं उनको कहता हूं, देखो जब भी तुम्हारे पास अगर किसी चीज का पैशन है ना, पैशन में डिग्री वगैरह मायने नहीं रखती है। आपका किसी के अंदर पैशन है, स्किल्स आपके अंदर आ जाएगी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको एक ऐसे तरीके से समझते हैं कि डिग्री चाहिए क्यों होती है। देखिए ये अधूरा सच है कि डिग्री आपको हमेशा चाहिए आईटी में जाने के लिए। अब डिग्री क्यों चाहिए वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो डिग्री एक आपको ये बताती है कि आपकी प्री स्क्रीनिंग बताती है बेसिकली। उससे क्या मतलब है? प्री स्क्रीनिंग से मेरा मतलब ये है कि वो आपको बताती है, आपका एक ओवरव्यू दे देती है बिना आपको जाने। जैसे कि मान लेते हैं आप आईआईटी ग्रेजुएट है, उससे क्या पता चलेगा कि आपने जेईई क्रैक किया है, आपने एक इंजीनियरिंग डिग्री ली है एक ऐसे कॉलेज से जहां से बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं। तो कंपनीज क्या करती है, वो वहां पे जाती है, वहां से बंदे उठाती है ऑन कैंपस, मतलब कॉलेज में जाती है और फिर वहां से हायर कर लेती है। ये हमारी हो गई एक साइड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें कंपनी को ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा बंदे के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि बंदा आईआईटी में गया है तो ऑब्वियसली उसने जेईई क्रैक किया है, जेईई में मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बाद उसने इंजीनियरिंग भी की है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा सिनेरियो। मान लेते हैं मेरा सिनेरियो, मैं हूं एक बीएससी ग्रेजुएट, ठीक है। बीएससी ग्रेजुएट में उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, मेरे को स्किल्स है या नहीं है? अब उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली अब उनको खुद पता नहीं चलेगा, अब मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर स्किल्स है। तो इस केस में क्या होता है, बंदे क्या करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, वो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो ऑनलाइन पोर्टफोलियो होती है, अपना खुद को दिखाते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं, अपना नेटवर्किंग करते हैं। मान लेते हैं मैं जैसा बीएससी ग्रेजुएट हूँ, मैंने क्या किया था, मैंने खूब सारे प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा अपडेट रखी, मैं लिंक्डइन पे शेयर करता था जो जो मैं करता था, तो उसके बाद रिक्रूटर्स को पता चलता था हाँ कि इस बंदे ने ये किया है, तो इसको कुछ तो आता ही होगा, मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग के बारे में पता होगा। सो ये होता है बेसिकली डिग्री का खेल। डिग्री से पता चलता है कि आप क्या हो, आपकी एक इमेज पता चलती है, आपको क्या क्या आता है उसका एक ओवरव्यू पता चलता है। अब देखिए ये भी नहीं है कि अगर आपकी अच्छी डिग्री है तो आप हमेशा जॉब में आ जाओगे, अब ये भी नहीं है कि आपकी बेकार डिग्री है तो आप जॉब में नहीं आओगे। आईटी में मैंने ये देखा है, जब भी इंटरव्यू लिया जाता है उसके अंदर काफी कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनको स्किल्स नहीं आती है, डिग्री वगैरह इतने नहीं देखा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे जो अमेजोन थी उसमें ऐसा समझिए आपकी 70-80% ऑफ कैंपस ही थे, बेसिकली ऐसे कॉलेज से जिनका आज तक मैंने नाम नहीं सुना था। सो बेसिकली जो ये बिना डिग्री के होते हैं ये ऑब्वियसली आईटी में आ सकते हैं। इसमें पर एक कैच आता है कि अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो आपकी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपके पास डिग्री नहीं है। एज अ फ्रेशर थोड़े चांसेस कम रहते हैं वहाँ पे जाने के, मतलब आईटी में घुसने के, बट अगर आप एज अ फ्रेशर आईटी में घुस गए फिर 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप तैयारी के साथ स्किल्स के साथ जा सकते हो, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड आता है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि यार वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता आईटी में, हम नहीं आएंगे। मैं कहा है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, मुझे 4 साल हो चुके हैं, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई वर्क लाइफ बैलेंस में, ठीक है। सो अब इसको ऐसा समझते हैं, मेरे को क्या लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस कोई कंपनी गारंटी नहीं करेगी, कोई एम्प्लॉयर गारंटी नहीं करेगा, गारंटी करेंगे तो सिर्फ आप, ठीक है। आपके ऊपर आपको वर्क लाइफ बैलेंस कैसा चाहिए। मान लेते हैं आप काम कर रहे हो, अब सुबह आप 9 बजे लगे शाम के 9 बजे तक काम ही कर रहे हो, आपके ऊपर है, ठीक है। आप काम कर रहे हो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस खुद बिगड़ रहा है, अब आप बीच में ब्रेक्स नहीं ले रहे हो, वो भी आपकी दिक्कत है, जिसमें कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी आपको काम दे रही है, ठीक है, ज्यादा काम दे रही है मना कर दो, अगर कुछ ज्यादा ही दे रही है कंपनी बदल लो। देखो वर्क लाइफ बैलेंस सिंपल है,
सब कुछ आपके ऊपर है वर्क लाइफ बैलेंस में। मैंने बहुत देखा है, मेरे कलीग्स भी है वो भी ऐसे रहते हैं कि यार वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है। काफी 4 सालों में मैंने 4 कंपनी चेंज करी है, तो चारों में ऐसा ही था। मेरे कलीग्स को बहुत दिक्कत आती थी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आता है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस में टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपने टाइम मैनेज करना सीख लिया, वर्क लाइफ बैलेंस आपका आ गया। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है अमेज़न में बहुत ही अच्छा, जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बट तगड़ा था, मतलब बहुत ही सिंपल वर्क लाइफ बैलेंस था, मतलब बहुत ही सही चलता था। अब इस पे आप ये नहीं कह सकते हो कि वो अमेज़न की वजह से अच्छा था, इसमें आपको ये कहना चाहिए कि वो मेरी वजह से अच्छा था, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा कि अमेज़न के एम्प्लॉयज कहते हैं यार वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेकार है, ये फलाना ढिकाना, ठीक है। मैं वही वहाँ गया था, मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा था, मेरे लिए वहाँ भी अच्छा रहा। सो बेसिकली मैं इसलिए कहता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस आपके ऊपर होता है, अगर आप आईटी में नहीं आना चाह रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से, एक बार ट्राई करिए, खुद वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए। आपको वर्क लाइफ बैलेंस खुद बनाना है, कभी भी कंपनी गारंटी नहीं करेगी, तो इन शॉर्ट खुद बनाइए वर्क लाइफ बैलेंस को। अगर आपको ज्यादा जानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आई कार्ड आ जाएगा, उसको बाद में जाके देख लीजिएगा कैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा आता है कि अगर आपको आईटी में सर्वाइव करना है, आपको जिंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहना होगा। इससे क्या मतलब है मेरा, देखिए जब मैंने ज्वाइन किया था ना, उस टाइम एंगुलर चलती थी, ठीक है, एंगुलर जो हमारा फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का, उसके बाद रिएक्ट जीएस आ गई, ठीक है, रिएक्ट जीएस के बाद नेक्स्ट जीएस आ गई, ओके, उसके बाद जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट आ गया, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करते थे, टाइपस्क्रिप्ट यूज करने लगे, और अब एआई आने लगा है, अब एआई की मदद से हम सारा कोड लिखते हैं। सो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है पिछले 4 साल में, इतनी ज्यादा चेंज हो रही है। अभी आप जैसे देख सकते हैं, एक ऐसा भी टूल आ चुका है कि आप एआई की मदद से वीडियो बना सकते हो, एआई की मदद से कोई भी फोटो बना सकते हो। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी चेंज होना होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होंगे तो कंपनी आपको चेंज कर देगी, और ये बहुत ही सीरियस नोट है, इसको मजाक में मत लीजिएगा। आईटी में मैंने काफी बार देखा है, जो बंदे ग्रो नहीं कर रहे थे, जो बंदे सीख नहीं रहे थे, उनको निकाला जा रहा है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल फंडा है। आपको अगर आईटी में सर्वाइव करना है, आपको कंपनी पैसा देगी, खूब पैसा देगी, पर तभी देगी जब आप इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ आगे बढ़ोगे। देखिए सरकारी नौकरी नहीं है कि आपने एक बार सीखा और फिर चले गए, वहां पे हर जिंदगी भर काम करते रहे, वहीं पे ऐसे पड़े रहे, ऐसे लेट के अपना पेट फुला के, और आपने पूरा सब कुछ अपनी जिंदगी जी ली, ऐसा नहीं है। आईटी है, प्राइवेट जॉब है, ठीक है, आपको जाना होगा, काम करना होगा, सीखना होगा, फिर काम करना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और कैश आता है कि ऐसा नहीं है कि आपको सीखने को जॉब में मिलेगा, मतलब 8 घंटे की अगर आपकी जॉब है तो आपको वहीं सीखना होगा, नहीं नहीं नहीं, अगर आपके 8 घंटे की जॉब है उसके बाद आपको सीखना होगा, फिर उसको इसमें इंप्लीमेंट करना होगा, तब आप सर्वाइव कर पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप बाद में भी ग्रो करो, मतलब आपका जो गैप होता है आपका काम हुआ उसके बाद आप ग्रो करो, उसके बाद आप सीखो और फिर आके कंपनी में काम करो, ये होता है कंपनी का माइंडसेट। अब देखिए इस केस में ये आता है, जैसे मेरा पैशन है कोडिंग, मेरा टेक्नोलॉजी एक पैशन है तो मैं कर लेता हूँ, बट अगर आपका एक पैशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, और ये सीधी बात है, ठीक है। आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, पर आप खुद ही थक जाओगे कि यार कैसे हो रहा है, फिर आप गाली दोगे कंपनी को कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आ रहा है। घूम फिरा के सारी बातें पैशन और वर्क लाइफ बैलेंस पर आती है। सो बेसिकली आपका पैशन है तो आप सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि आप तब पढ़ोगे कि नई नई चीजें क्या आ रही है। जैसे मेरा एक पैशन है तो मैं पढ़ता रहता हूँ, हमेशा हर दिन पढ़ता हूँ, 1 घंटा देता हूँ कि आखिर क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, कैसे सब कुछ हो रहा है। तो सर्वाइव अगर आपको यहाँ पे करना है, आपको जिंदगी भर स्टूडेंट बनना होगा, जिंदगी भर आपको सीखना होगा। फोर्थ पॉइंट आता है, फैंग इज ओवरहाइप्ड। अब इसका क्या मतलब है, फैंग क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो दुनिया की टॉप 4 to 5 कंपनीज है, उनको मिला के टेक्नोलॉजी की, जिसमें एप्पल आती है, फेसबुक आती है, अमेजोन आती है, नेटफ्लिक्स आती है, गूगल आती है, इनमें से एक के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस है अमेजोन, तो उसके भी हाफ में मैं आपको बताने वाला हूँ आज इसके बारे में कि फैंग ओवरहाइप्ड क्यों है। अब देखिए ओवरहाइप्ड स्पेशली मैं फ्रेशर्स के लिए बोलूंगा। फ्रेशर क्या चाहते हैं, यार हम फैंग में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, खूब ग्रो करेंगे, ठीक है, पैसा कमाओ, पैसा आपको मिलेगा, पर अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो थोड़ा वहां पे डगमगा जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए जब भी आप इसमें जाएंगे अमेजोन के अंदर या फिर किसी भी कोई दूसरी कंपनी में MNC के अंदर जो फैंग होती है, उसमें क्या होता है, वो खुद के इंटरनल टूल्स यूज करते हैं। इंटरनल टूल्स क्या होते हैं, सो बेसिकली वो ये टूल होते हैं जो कंपनी खुद के लिए बनाती है, ओके? अब जैसे आपने देखा होगा गिटहब है, गिटहब पे हम वहां पे कोड लिखते हैं, मतलब कोड देख सकते हैं, सारी रेपोज देख सकते हैं, जो भी आपका कोड है वहां डिप्लॉय कर सकते हैं, बट ऐसा MNC में नहीं होगा, वहां पे खुद का एक गिटहब बना के रखेंगे वो,
ठीक है, अब उसमें क्या होगा, आपकी जो नॉलेज होगी वो लिमिटेड रह जाएगी सिर्फ उसी कंपनी के लिए। एज अ फ्रेशर आपको क्या करना होता है, आपको एक्सप्लोर करना होता है कैसे चीजें वर्क कर रही है। मान लेते हैं आपने कोड लिखा है और वेबसाइट को आपको इंटरनेट पे लाना है, पर इंटरनेट पे लाने के लिए आपको क्या क्या करना है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक बटन दिया जाएगा, बटन पे क्लिक करिए, वो डिप्लॉय हो गई, बस छुट्टी। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको सीखना है जो मैं चाहता हूँ, बिल्कुल आप सीखो। अगर आपको सर्वाइव करना है आपको सीखना होगा, एज अ फ्रेशर अगर आपको सर्वाइव करना है, मतलब एज अ फ्रेशर आपको ग्रो करना है तो भी आपको सीखना होगा, और वो आप तभी सीख सकते हो जब आपको कुछ नॉलेज पता चले जो बाहर भी काम आएगी, उस कंपनी के बाहर भी काम आएगी। अब जब मैं था अमेजोन में, वहां पे इंटरनल टूल्स यूज होते थे, हालांकि मेरे को पहले ही एक्सपीरियंस था स्टार्टअप का, तो मेरे को पता था चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे हम कोड को डिप्लॉय करते थे ना, तो कोड को डिप्लॉय करने के लिए एक प्रोसेस होता था, पाइपलाइन करके वो खुद डिप्लॉय कर देता था, पर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। बट मैं स्टार्टअप में था क्योंकि मेरे को वहां पे मैनुअली डिप्लॉय करना पड़ता था, उसके बाद ऑटोमेटिक कर दिया था। मैनुअल डिप्लॉय में मेरे को पता चला कि हाँ यार चीजें ऐसे डिप्लॉय होती है, चीजें ऐसे वर्क करती है, बेसिकली मेरे को बेसिक्स पता चले। बट अगर आप एवेंस में जाओगे, उसको देखिए टाइम एक कंस्ट्रेंट रहता है, टाइम उनको कम लगाना है, ऑब्वियसली आप हमेशा मैनुअल तो नहीं करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक करना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एज अ फ्रेशर ट्राई करिए स्टार्टअप में जाने का। स्टार्टअप क्या करेगा, ऑटोमेटिक की जगह पहले मैनुअल प्रोसेस करेगा, जब मैनुअल प्रोसेस से आपको बेसिस आ जाएंगे, कुछ साल बाद आप एमएनसी में जाइए, एमएनसी में थोड़ा चिल कल्चर भी रहता है, आपके ईयर के लोग रहेंगे, वहां पे जाके फिर जब आपकी फैमिली हो जाएगी तो वहां पे सेटल हो जाइए, एज अ गवर्नमेंट जॉब आप उसको एक यूज कर सकते हो फैंग को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फैंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा जब भी आपको ट्राई करना है ना, ऐसा ट्राई करिए कि स्टार्टिंग में आप एक स्टार्टअप लो, क्योंकि स्टार्टअप में आपको बेसिक्स पता चलेंगे कैसे कैसे चीजें ग्रो करती है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, उसके बाद आप एमएनसी में जा सकते हो जब आपकी फैमिली होगी, वहां पे जाके एक सेटल हो सकते हो, वहां पे एक आपका फाइनेंशियल जो होता है मतलब पैसे होते हैं वो भी एक सही तरीके से आपका बैंक मानने लगेगा, फिर आपकी जिंदगी सही चलने लगेगी। तो स्टार्टिंग में आपको ग्रो करना है तो स्टार्टअप, स्टार्टअप के बाद आप एमएनसी, जब आपकी फैमिली हो जाएगी आपको फैमिली के साथ भी टाइम बिताना है, और उसके बाद आपकी लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हो मैंने अमेजोन क्यों छोड़ा, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे जाके देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल अपना बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है अमेजोन के साथ। तो अगर भी आप अमेजोन में जानना चाहते हो, वो आपकी मदद करेगी, वो वीडियो देखिए, तो जाइए। आज के लिए इतना ही, कमेंट करके जाइएगा आपको अगले वीडियो कौन सी चाहिए, लाइक करना तो मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, सेमीकॉलन।